दोस्तों आज आप और मैं ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी अमीर भारतवासी हैं वो भारत छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, वो दूसरे देशों की नेशनलिटी क्यों ले रहे हैं। देखिए इंडिया का कानून ये कहता है कि भाई अगर आपको किसी और देश की नागरिकता लेनी है तो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, आप दो नेशनलिटी एक साथ नहीं रख सकते। तो पिछले 5 साल में तकरीबन 5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी, और वो इसलिए त्यागी कि उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। अब ये 5 लाख लोग लुक्खे तो नहीं रहे होंगे, जाहिर सी बात है करोड़पति होंगे, उनके पास इतने पैसे होंगे कि उन्होंने कनाडा, अमेरिका, इटली में जाके खूब बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा, और उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको वहां की नागरिकता मिली होगी, और जब उनको वहां की नागरिकता मिली तो उन्होंने इंडिया की नागरिकता छोड़ दी। यानी कि उन लोगों ने हाथ जोड़कर मोदी जी से कहा कि सर आपका इंडिया दुनिया में रॉक कर रहा है, आपका इंडिया नंबर 1 कंट्री है, बट सर हमें आपके इंडिया में नहीं रहना, हमें माफ कर दीजिए सर, ये रही आपकी इंडिया की नागरिकता, इसको संभालिए, हम तो चले। मैं मोदी जी का नाम यहां इसलिए ले रहा हूं कि मोदी जी ने अमेरिका में क्या कहा था आप खुद ही सुन लीजिए। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। मतलब मोदी जी का एताना कांग्रेस पर था कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी इंडिया में तो लोग ऐसा समझते थे, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी इंडिया में तो तकरीबन 2 मिलियन बहुत ही अमीर लोग विदेशों से वापस इंडिया आए थे, उन्होंने आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि उनको लगा था कि अब इंडिया बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है और कुछ ही सालों में इंडिया चाइना के बराबर खड़ा हो जाएगा। तो अगर मोदी जी ने बहुत ही प्राउड फील करते हुए ये बात अमेरिका में कही थी तो आज मोदी जी को ऑफिशियली बयान देकर बताना चाहिए कि ये 5 लाख करोड़पति लोग इंडिया छोड़कर विदेशों में क्यों चले गए, इन्होंने इंडिया की नागरिकता क्यों छोड़ दी, इन्होंने विदेशों की नागरिकता क्यों ले ली। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 70 साल में अंबानी ने भी बाहर कोई बहुत बड़ा घर नहीं खरीदा था, लेकिन अब अंबानी ने लंदन में एक महल खरीद लिया है और पूरी अंबानी फैमिली ने यह तैयारी कर ली है कि भाई अगर कल को इंडिया में कुछ भी होता है तो वो इंडिया छोड़कर लंदन चले जाएंगे और अपने महल में आराम से रहेंगे। और आप सबको पता है कि अक्षय तो पहले ही कैनेडियन है, खबरों के मुताबिक अजय देवगन ने भी लंदन में बहुत बड़ा घर खरीद लिया है, गाड़ियां खरीद ली है, सब कुछ तैयारी कर ली है कि भाई अगर कल को इंडिया में कुछ भी होता है तो अपने बच्चों को लेकर लंदन चले जाएंगे, वहां आराम से रहेंगे। और मैं 15 से 20 और बॉलीवुड के लोगों को जानता हूं जिन्होंने विदेशों में घर खरीद लिया है और विदेशों में बसने की पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि उनको डर है कि किसी भी वक्त इंडिया में ऐसे हालात हो सकते हैं कि इंडिया छोड़कर भागना पड़ सकता है, बट उन लोगों के नाम मैं यहां रिवील नहीं करूंगा। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई लोग डर क्यों रहे हैं, लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिया में कुछ ऐसा हो सकता है कि इंडिया छोड़कर भागना पड़े, अमीर लोग इंडिया छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। जाहिर सी बात है कोई और वजह तो नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही वजह है कि वो लोग मोदी जी की सरकार से खुश नहीं है, जो मोदी जी की नीतियां हैं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है देश में कुछ भी ऐसा हो सकता है कि देश छोड़कर भागना पड़ सकता है तो उससे पहले ही देश छोड़कर चले जाते हैं। आपको पता ही है कि हर 2-3 महीने के बाद मोदी जी रेडियो पर आते हैं और मन की बात करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान उनके मन की बात सुनता है, पूरा हिंदुस्तान वेट करता है कि मोदी जी कब अपने मन की बात करेंगे और हम सुनेंगे, बट आप यकीन करें पब्लिक को मोदी जी के मन की बात बिल्कुल नहीं सुननी, पब्लिक को मोदी जी के मन की बात से कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने सर्वे किया और मैंने पूछा पब्लिक से कि आप में से कितने लोग मोदी जी के मन की बात सुनते हैं तो सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के मन की बात सुनते हैं।
कितने 23% लोगों ने, यानी कि 77% लोगों ने कहा कि भाई साहब माफ कर दीजिए, हमें मोदी जी के मन की बात नहीं सुननी। मोदी जी के मन की बात सुन सुनकर तो यह हाल हो गया कि आज जेब में पैसे नहीं बचे, बदन पे कपड़े नहीं बचे और घर में दाल चावल बनाने को नहीं बचे। मैंने दूसरा सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि भाई अगर आपको चांस मिले इंडिया से बाहर जाकर बसने का तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। 53% लोगों ने कहा कि भाई साहब हम तो फौरन ही जाने को तैयार हैं, हमें इंडिया में रहने का कतई कोई शौक नहीं है, हमें तो प्लीज किसी तरह बाहर भेज दीजिए। तो यानी कि इंडिया में आज 53% लोग वो हैं जिनको इंडिया में नहीं रहना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो इंडिया में इस वक्त खुश नहीं है, वो मोदी जी की सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बेहद परेशान है, बेहद तंग है। तो वो चाहते हैं कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएं और कहीं बाहर जाकर बस जाएं। मैंने 2 साल पहले एक सर्वे किया था और पब्लिक से पूछा था कि भाई मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए या नहीं। उस वक्त 36% लोगों ने कहा था कि हां मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए और बाकी ने कहा कि नहीं मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। वही सर्वे मैंने दोबारा किया और पब्लिक से पूछा कि क्या मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, तो अब 63% लोगों ने कहा कि भाई साहब मोदी जी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि फौरन ही रिजाइन कर दीजिए सर, सर हमारा पीछा छोड़ दीजिए सर, सर हमें आपने कहीं का नहीं छोड़ा, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं सर, सर प्लीज रिजाइन कर दीजिए, सर किसी और को देश चलाने को दे दीजिए, शायद कुछ भला हो जाए, आपने तो एकदम वाट लगा के रख दी सर। यानी कि आज देश में सिर्फ 37% लोग ही ऐसे हैं जो मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और मैं ये कहूंगा कि 37% लोग ही रियल मोदी भक्त हैं। तो अगर 63% लोग मोदी जी के खिलाफ वोट करने वाले हैं और सिर्फ 37% ही मोदी जी को वोट देने वाले हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मोदी जी आगे कोई भी इलेक्शन जीत सकते हैं। यानी कि मोदी जी का ऐसा मानना है कि भाई अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर से अपनी चाय की दुकान खोल लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। यानी कि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि वो सिर्फ दो ही काम जानते हैं, या तो वो चाय की दुकान चला सकते हैं और या तो वो देश को चला सकते हैं, यानी बीच में कुछ भी काम वो नहीं कर सकते, कोई और काम वो जानते ही नहीं। मतलब उनके हिसाब से चाय की दुकान चलाना और देश को चलाना एक जैसा ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस मोदी जी की इसी सोच को मेरा सलाम है, मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूं कि वो इतना बढ़िया सोचते हैं कि या तो वो चाय की दुकान चला सकते हैं और या तो देश चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मोदी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। भाई अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक तो देखो आपको करना पड़ेगा यार, बिना लाइक के वीडियो मत देखा करो ना भाई। और यार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी तो दबा दो। घंटी क्यों नहीं दबाई अब तक यार? यार घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? बात समझते नहीं हो यार आप। यार घंटी दबा दो ना।